नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक पहली बार चाईबासा में होने जा रही है। बैठक में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे। चाईबासा के पिल्लय हॉल में होने वाली दो दिवसीय बैठक का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे और दूसरे दिन समापन सत्र में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शिरकत करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद समीर उराव, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर उराव सहित अन्य बड़े नेता शामिल होंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष सतीश पुरी, सरायकेला खरसवां के जिला प्रभारी जेबी तुबित और प्रदेश महामंत्री विजय मेलगांडी ने आज पत्रकारों को दो दिन के बैठक के बारे में जानकारी दी। बताया कि राज्य के विकास, सांगठनिक स्थिति और राजनीतिक परिदृश्य पर दो दिन की बैठक में मंथन होगा और आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बड़ी हर्ष का विषय है कि प्रदेश स्तरीय अनुसूचित जनजातीय मोर्चा कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक 30 और 31 तारीख को जिला मुख्यालय चाईबासा में आहूत की गई है। यह बैठक स्थानीय पिलई हॉल में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पदाधिकारी, उनके मंत्री और कार्य समिति के सदस्य मुख्य रूप से भाग लेंगे। इस जिले के हमारे जो मंडलों के अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में प्रतिभागी रहेंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर से हमारे राष्ट्रीय संगठक श्री बी सतीश जी, जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा के हमारे प्रभारी भी हैं राष्ट्रीय स्तर के, वो इसमें भाग लेंगे। प्रदेश के स्तर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, प्रदेश के बिहार और झारखंड के क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री नागेंद्र जी, प्रदेश के हमारे संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री करमवीर जी, हमारे राष्ट्रीय नेता और अनुसूचित जनजातीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री समीर उराव जी, जो हमारे सांसद भी हैं, राज्यसभा के सदस्य भी हैं, श्री दीपक प्रकाश जी जो प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और इस जिले के लोकसभा प्रवास योजना कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख नेताओं में हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी, जो इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। चाईबासा सदर अंचल क्षेत्र के मडकम हातू, टुंगरी और तांबो में शुक्रवार को कोल्हान भूमि बचाव समिति के नेतृत्व में विभिन्न गांव के खतियानी रैतों ने जमीन पर सूचना पट लगाकर अवैध कब्जे वाली जमीनों पर पारंपरिक दखल की घोषणा की। रैतों ने कुल 4 एकड़ 6 डिसमिल जमीन पर ग्राम सभा समर्थित सूचना पट तथा सरना झंडा लगाकर कब्जा किया। रैतों ने बताया कि उनकी जमीनों पर वर्षों से गैर आदिवासियों का कब्जा था, इसलिए वे ग्राम सभा की अनुमति लेकर अपनी पैतृक जमीनों को कब्जा मुक्त कर उसे वापस ले रहे हैं। कब्जे के दौरान कब्जेदारों की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई। वहीं रैतों ने टुंगरी में समिति का कार्यालय भी खोल दिया। कब्जे के बाद रैतों ने बनवारी लाल नेवटिया की कब्जे वाली जमीन पर परंपरागत पूजा कर वन भोज आयोजित किया। समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सवैया ने बताया कि कुल 4 एकड़ 6 डिसमिल जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया और बोर्ड तथा सरना झंडा गाड़कर उस पर परंपरागत दखल की घोषणा की गई है। जिन जमीनों पर बोर्ड लगाया गया उनमें डीबर देवगम की 1.44 एकड़, चाहत देवगम की
एक एकड़ 3 डिसमिल, एलिश बोदरा की 1 एकड़ 13 डिसमिल तथा प्रेमराज देवगम की 46 डिसमिल जमीन पर अवैध कब्जा था। अब इस पर खातियानी रैतों ने ग्राम सभा की सहमति से दखल कर लिया है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में विधानसभा वार मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को आदर्श आचार संहिता, मीडिया कंप्लेंट, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग और MCMC पेड न्यूज के विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण सत्र में उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लॉन्ग और भूमि सुधार उप समाहर्ता संध्या मुंडू ने मास्टर प्रशिक्षकों को आदर्श आचार संहिता और एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग का प्रशिक्षण दिया, जबकि जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ईसा खंडेलवाल ने मीडिया कंप्लेंट और MCMC पेड न्यूज के विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। अब सोने और चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। धनतेरस, दीपावली और छठ के मौके पर श्याम ज्वेलर्स की ओर से दिया जा रहा है विशेष छूट। सोने के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट, जबकि चांदी के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज में 50% की भारी छूट दी जा रही है। इसके अलावा भी ग्राहकों के लिए कई तरह के आकर्षक उपहार की भी व्यवस्था है। श्याम ज्वेलर्स में आपको लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित कीमत पर मिलेंगे, इसलिए श्याम ज्वेलर्स आइए और अपनी मनपसंद खरीदारी कीजिए, साथ ही फेस्टिवल ऑफर का आनंद उठाइए। हमारा पता है सुनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस, DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारे नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में FS टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा, इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारे और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। बिरसा मुंडा ताइक्वांडो एकेडमी चाईबासा की ओर से शुक्रवार को बिरसा मुंडा इंडोर स्टेडियम में 3 दिवसीय ताइक्वांडो प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ ब्लड मैन लालू कुजूर ने पंच मारकर किया। शिविर में 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस मौके पर लालू कुजूर ने कहा कि जिस तरह से ताइक्वांडो एकेडमी के खिलाड़ी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, यह सचमुच प्रशंसनीय है। यहां के खिलाड़ियों ने जमशेदपुर में आयोजित प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर मेडल प्राप्त किया। निदेशक विजय प्रताप ने कहा कि यहां प्रतिभा की कमी नहीं है, खिलाड़ियों को उचित मंच और उचित व्यवस्था मिलने से यहां के खिलाड़ी जिला, देश और राज्य का नाम रोशन करेंगे। मारवाड़ी युवा मंच चाईबासा शाखा एवं जागृति शाखा की ओर से रुंगटा गार्डन में झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच मंडल ग की वार्षिक पिकनिक पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल ग की आकृति, व्हील्स, काली माटी, चांडिल, चक्रधरपुर और सरायकेला शाखा की सहभागिता के लिए आभार प्रकट किया। इस मौके पर
मंच के सलाहकार सदस्य मुकुंद रुंगटा, बलराम सुल्तानिया, पुरुषोत्तम शर्मा, प्रमोद निवटिया ने कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। आदिवासी उरांव समाज संघ ने कुड़ुक सामुदायिक भवन पुलहातू चैबासा में उरांव समाज के द्वारा मनाए जाने वाले हड़बोड़ी को लेकर बैठक की। संघ के अध्यक्ष संचू तिर्की की अध्यक्षता में हुई बैठक में हड़बोड़ी पूरी श्रद्धा एवं पूर्वजों के द्वारा बनाए गए नियम के साथ 31 दिसंबर को मनाने को लेकर चर्चा की गई। संघ के सचिव अनिल लकड़ा ने कहा कि हड़बोड़ी में हम सभी अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनकी आत्मा की शांति को लेकर प्रार्थना करते हैं। मसना समिति के सचिव राजू तिग्गा ने कहा कि हड़बोड़ी मनाने के लिए मसना तैयार है। झारखंड सरकार द्वारा खटिक जाति का सर्वे कराया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के चैबासा और चक्रधरपुर क्षेत्र में सर्वे अधिकारी डॉक्टर शब्बीर हुसैन एवं संजय कुमार मेहता, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधेश्याम सोनकर, राष्ट्रीय महासचिव राजेश सोनकर, प्रदेश संरक्षक रमेश सोनकर, प्रदेश महामंत्री दीपक सोनकर, जमशेदपुर जिला अध्यक्ष ब्रिजेश सोनकर के सहयोग से सर्वे कार्य संपन्न हुआ। चैबासा और चक्रधरपुर के खटिक समाज के सभी लोगों ने सर्वे में शामिल होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। जी, आज अखिल भारतीय खटिक समाज झारखंड प्रदेश के द्वारा आज चैबासा में एक बैठक रखी गई, जिसमें झारखंड प्रदेश रामजाल मुंडा शोध संस्थान से निर्गत एक आदेश खटिक बिरादरी पर शोध और जानकारी जुटाने के लिए हमारे डॉक्टर साबिर हुसैन जी आए हुए हैं, और उनको मदद करने के लिए झारखंड प्रदेश खटिक समाज, अखिल भारतीय खटिक समाज उनके साथ पूरे प्रदेश में घूम करके उनको सहयोग कर रहा है कि आपको कहां कहां हमारी खटिक बिरादरी है और किस हालात में है, हम लोग चलकर वो दिखलाएँगे आपको, और आप अपने हिसाब से देख करके अपना रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपें, ताकि खटिक बिरादरी के बारे में सरकार और कुछ बेहतर सोच सके और खटिक बिरादरी के युवाओं को और बच्चों को लाभ मिल सके इसका। डॉक्टर साबिर हुसैन, मानव वैज्ञानिक हूँ, और अभी जो इस शोध के लिए हम लोग आए हैं वो झारखंड सरकार के डॉक्टर रामदयाल मुंडा शोध एवं कल्याण संस्थान के तरफ से। ये खटिक जाति जो है उनके सामाजिक, उनकी आर्थिक, उनकी शैक्षणिक इत्यादि और उनका रहन सहन, खान पान इत्यादि पे एक शोध काम के लिए आए हैं, और उम्मीद है कि इससे इस समाज को रिपोर्ट जमा करने के बाद जो अनुशंसा होगी उम्मीद है इनके लिए लाभदायक होगा। सीआरपीएफ के 174 बटालियन की ओर से कमांडेंट संजय कुमार सिंह की मौजूदगी में जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बरकेला में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कमांडेंट संजय कुमार सिंह, सहायक कमांडेंट केबी सिंह और अन्य पदाधिकारियों द्वारा ग्रामीणों के बीच कंबल, मच्छरदानी, सोलर लैंप, पानी की टंकी, मकान मरम्मत हेतु टेंट शेड का वितरण किया गया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।